नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। महुगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये किसान और जनता के हित का बजट नहीं है। वहीं प्रशासन पर अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर भी सवाल खड़े किए। सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन दोहरी नीति अपना रहा है, स्वयं उनके घर के सामने रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी उन्होंने सूचना भी कलेक्टर को दी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शहर में खुलेआम हत्या लूट चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। पुलिस अपनी स्वयं वर्दी नहीं बचा पा रही है। घटनाएं एक महीने में हो चुकी हैं, जहां पुलिस पर ही बदमाशों ने हमला किया है। वहीं पदार्थों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर पूर्व विधायक ने कहा कि पुलिस के नाक के नीचे अवैध कारोबार चल रहा था, जिसकी कानोकान खबर नहीं लगी या फिर पुलिस ने दबा कर रखा था। वहीं शहडोल पुलिस मुख्य तस्कर को उठाकर ले गई। आइए सुनाते हैं सिंह ने क्या आरोप लगाए हैं। जिले में कानून व्यवस्था जो है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। रीवा जिले में अभी 26 जनवरी को सीएम का कार्यक्रम और सीएम साहब आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे रीवा के एसपी और कलेक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं। हमको तो बड़ा हास्यपद लगा तब कि भाई सीएम के आंख में पट्टी बंधी हुई है, यहाँ के कुछ नेता लोगों ने समझा दिया कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आए दिन घटनाएं घट रही हैं, गोलियां चल रही हैं, थानों के सामने गोलियां चल रही हैं और पुलिस अपनी वर्दी नहीं संभाल पा रही है। रीवा की आज ये दुर्दशा, 3-4 घटनाएं लगातार ऐसी हुई कि पुलिस अपनी वर्दी नहीं संभाल पाए। चाहे नई गढ़ी में शराब पकड़ने गई थी पुलिस, वहां की हालात आप देखो, पूरा माऊगंज की पुलिस पीटी। आप चले जाओ वहां घाट के नीचे क्रेशर में लूट करने गई थी पुलिस, वहां पीटी। अभी कल ही एक घटना घटी, वहां वर्दी बिस्तरों पर मिलती है, वर्दी को वर्दी के मिलने, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। और सरेआम गोली चल रही है, यहाँ कोई तंत्र बचे नहीं। हम मुख्यमंत्री जी तारीफ करके गए और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का सिर्फ एक मकसद है, लूट करके उनके पास पहुंचाओ, चाहे जिस माध्यम से हो, चाहे मोटरसाइकिल जब्त कर लो किसी की, उससे पैसे वसूलो, चाहे किसी की गाड़ियां और ट्रैक्टर वसूलो। किसानों के ट्रैक्टर नहीं बच रहे, सिर्फ वसूली वसूली ही वसूली चाली है चारों तरफ। कोरेक्स कोई बताने की जरूरत नहीं है, गांजा शराब कोई बताने की जरूरत नहीं है, जुआ सट्टा कोई बताने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। चलिए यही तो मैं कह रहा हूँ, रीवा की पुलिस सो रही है और शहडोल की पुलिस आए और यहाँ से पकड़ करके व्यापारी को ले जाए। यहाँ की पुलिस सो रही, यहाँ की पुलिस तो बताए ना, बिल्कुल विपक्ष भूमिका निभाएगा। अभी किसान आंदोलन की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और बस अब नंबर ही है, अब लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो पूरा रीवा बिक जाएगा, लूट जाएगा, जो एक सिस्टम चल रहा है साल भर से देखकर। ये नशे का ये जो लाइसेंसी तस्कर था जिसे कल शहडोल पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, इसके ऊपर पूर्व में भी कई बार कार्रवाइयां हुई, क्यों बच जाता है ऐसा? कमीशन बधे हुए हैं, पूरी तरह से कमीशन बधे हुए, कमीशन पहुंचता है बच जाता है छूट जाता है। और हम ये कहते हैं, जब हमने साहब का ही बयान पढ़ा, एसपी ने यह कहा है कि 10,000 इनाम, ये अरे घटना न घटे इसके लिए आप पुलिस अफसर हैं कि घटना घट जाए तब आप इनाम घोषित करो? अरे घटनाएं न घटे इस दिशा में काम करना चाहिए। ये अभी रीवा शहर में वायरल वीडियो हो रहे हैं बार बार कि कोई कट्टा लहरा रहा, कोई बंदूक लहरा रहा, कोई किसी को गोली मार रहा है, तो ऐसे कानून व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे आप, क्या कैसे? पूरी तरह से चौपट हो गई भाई। मैं पुलिस जब वर्दी अपनी नहीं संभाल पा रही है, ये कट्टा कैसे संभाल लेगी, रिवाल्वर कैसे संभाल लेगी, अपराधी कैसे संभाल लेंगे, गोलीकांड कैसे संभाल लेंगे, अपनी वर्दी तो संभाले पहले। अतिक्रमण अभियान भी चला, आश्रम गिराया गया, बड़ा विवाद रहा, अभी भी शहर में कई अतिक्रमण, चाहे आपके सामने की रोड हो, बीच बाजार की रोड हो, तो नहीं लगता कि भेदभावपूर्ण किसको विरोधी मिला तो हटा दिया? देखिए रीवा कलेक्टर बताए ना, कभी जब मुख्यमंत्री जी आए तो एसपी की भी तारीफ उन्होंने करी और रीवा कलेक्टर की भी तारीफ करी। मैं कह रहा हूँ कि बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि अभी